हेलो फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो तो मम्मी को समर्पित है। भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि मम्मी का दिमाग इतना तेज चलता है, लेकिन मम्मी ने दिवाली से पहले जो ब्रह्मास्त्र चलाकर पापा से घर की सफाई करवाई है ना, उसे देखने के बाद तो मैंने भी मम्मी से कह दिया कि सल्यूट टू योर शार्प माइंड। आपको पता है, मम्मी ने पापा को एक आर्टिकल दिखाकर उनसे घर का झाड़ू पोछा और पंखे की सफाई करवाई दिवाली की साफ सफाई करवाने के लिए। तो आखिर ऐसा क्या था उस आर्टिकल में, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले पापा की साफ सफाई करती हुई तस्वीरों को देख लीजिए। अब प्लीज मजाक मत उड़ाना। हाँ, और हाँ, ये तो बिल्कुल मत कहना कि मैंने साफ सफाई में मदद नहीं की। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा ही कर रहे थे साफ सफाई, मैंने भी मदद की थी साफ सफाई में। और घर की साफ सफाई कर पापा भी एक मैसेज दे रहे हैं, तो आखिर वो मैसेज क्या है ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो आर्टिकल दिखा देती हूँ जिसे मम्मी ने पापा को दिखाया था और उनसे घर की साफ सफाई करवा ली। यही है वो आर्टिकल, अशोक पांडे जी ने लिखा है। आर्टिकल के मुताबिक त्योहारों पर सफाई करने से महिलाओं की मुसीबत बढ़ जाती है, वो बीमार हो जाती है। मम्मी ने ये आर्टिकल सेव करके रखा था, आज उन्होंने ये दिखाकर पापा से कहा कि सफाई में मदद करो वरना बीमार पड़ जाऊंगी और दिवाली की रौनक खत्म हो जाएगी। बस फिर क्या था, पापा ने थामा झाड़ू और लग गए काम। पहले जाले साफ किए, इसके बाद पोछे का नंबर आया, एक और चीज जो साफ सफाई के मामले में पापा के लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज साबित होती है वो है उनकी हाइट। 6 फीट हाइट है तो पंखे वंखे साफ करने के लिए सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ती, कुर्सी में चढ़कर ही काम हो जाता है, इसलिए फैन साफ करने का ठेका तो हमेशा उन्हीं के नाम रहता है। देखिए कितने गंदे हो रखे हैं ये पंखे। अब ऐसा नहीं है कि दिवाली की सफाई सिर्फ मम्मी और पापा ही अकेले कर रहे हैं, हम बच्चे भी कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा बड़े काम तो हम कर नहीं सकते, लेकिन ऐसे छोटे मोटे जैसे कि डस्टिंग कर देना ये तो कर ही ले रहे हैं। और मैं तो अभी कर रही हूँ यहाँ ड्राइंग रूम की, भाई भी दूसरे कमरे में अपना अलग जाके डस्टिंग कर रहा है, उसको भी दे रखा है मम्मी ने यही काम। यही तो डस्टिंग का ही तो काम कर रही हूँ, इसमें क्या बोलूँ। वैसे मैं तो कहती हूँ कि सबके घर में सबके पापा और भाइयों को साफ़ सफाई में मदद करनी चाहिए, क्योंकि भाई अगर घर में सब रहते हैं तो साफ़ सफाई का काम भी तो सभी को करना चाहिए। ऐसा ही क्यों कि सिर्फ साफ़ सफाई लड़कियाँ और महिलाएँ ही कर सकती हैं, थकाई तो सभी को लगती है, फिर चाहे वो महिलाएँ हों या फिर लड़कियाँ। तो क्या आपके घर में भी आपके पापा और आपके भाई साफ़ सफाई में मदद करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।